एवरीवन, मैं मनोज कुमार तिवारी, मैं इंटीग्रेशन का नेक्स्ट वीडियो लेके आपके सामने मौजूद हूँ। मैं इस वीडियो में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से करें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में इससे एक क्वेश्चन कन्फर्म पूछा जाता है और कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसको जरूर आप अच्छे से करें। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद हम यहाँ पे आपको अच्छे से एक एक चीज समझाएंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता है यू इंटू वी डी एक्स। यहाँ पे यू और वी दोनों एक्स का फंक्शन है। यहाँ पे यू और वी दोनों आपका एक्स का क्या है, फंक्शन। यहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। इसका फॉर्मूला बनता है u बाहर इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन u का डिफरेंशिएशन du dx, फिर इंटीग्रेशन v dx होल dx। गौर करें, यहां पे मेरे पास दो फंक्शन का प्रोडक्ट है u इंटू v dx। हमको u इंटू v dx का इंटीग्रेशन करना है, तो यहां पे u को छोड़े, v को इंटीग्रेट किए, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर यू का डिफरेंशिएशन और वी का इंटीग्रेशन, फिर इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन हो रहा है। इन दोनों के प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन। यहां पे एक चीज आप लोग डिफरेंशिएशन में एक चीज पढ़ चुके हैं कि डी यू वी डी एक्स, गौर करें इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था, डी यू बाहर वी डी एक्स प्लस वी को छोड़ते हैं U का डिफरेंशिएशन dx। अगर मेरे पास एक प्रॉब्लम है dx x इंटू साइन x, तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं, यहां पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक आपका x है, दूसरा क्या है, साइन x। तो यहां पे आप किसी को भी u और किसी को भी v माने कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई एक बंदा x को u मानता और v को साइन x मानता, उसके बाद डिफरेंशिएट करेगा, या फिर कोई एक बंदा साइन x को u माने और x को v माने फिर वो डिफरेंशिएट करे, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। तो डिफरेंशिएशन के केस में आप किसी भी फंक्शन को u और किसी भी फंक्शन को v मान सकते हैं, उससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इंटीग्रेशन के केस में आप किसी को भी u और किसी को भी v नहीं मान सकते। इंटीग्रेशन के केस में आप किसी को भी u और किसी को भी v नहीं मान सकते। यहां पे u और v का सिलेक्शन एक पैटर्न को देखते हुए करेंगे। अब वो पैटर्न क्या है, आई लेट, ध्यान दे, u और v का सिलेक्शन हम आई लेट के बेसिस पे करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर ये आईलेट क्या है। यहां पे आईलेट में ये जो आई है ये रिप्रेजेंट करता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, एल जो है वो रिप्रेजेंट करेगा लॉगरिथमिक फंक्शन को, ए आपका रिप्रेजेंट करता है अलजेब्रिक फंक्शन को, टी आपका रिप्रेजेंट करेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, और ई आपका रिप्रेजेंट करता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। ध्यान दे, यू और वी का सिलेक्शन, U और V का सिलेक्शन हम आईलेट के बेसिस पे करते हैं। सवाल ये उठता है कि आईलेट है क्या। आईलेट में I आपका इनवर्स को रिप्रेजेंट करता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, L आपका लॉगरिथमिक फंक्शन को, A आपका अलजेब्रिक फंक्शन को, T आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, और E आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। जो फंक्शन पहले आएगा उसको हम U मानेंगे, जो फंक्शन बाद में आएगा उसको हम V मानेंगे। मतलब कि अगर मानिए आपके पास है एक प्रॉब्लम x इंटू साइन x dx, तो यहां पे देखिए दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक x है और एक साइन x है, एक x है और एक साइन x। यहां पे सबसे पहले आप पहचाने कि कौन कौन सा फंक्शन है। यहां पे जो ये x है, x आपका कैसा फंक्शन होता है, एक अलजेब्रिक फंक्शन होता है। ध्यान दे, इनवर्स, इनवर्स के बारे में आपको पता है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, इसको हम क्या कहें, इनवर्स फंक्शन। लॉग, जिसमें लॉग लगा हुआ, लॉगरिथमिक फंक्शन। अलजेब्रिक, x, x स्क्वायर, x क्यूब, x का पावर 1 बाई 2, x का पावर 1 बाई 3, अलजेब्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, एक्सपोनेंशियल, कॉन्स्टेंट का पावर वेरिएबल। यहां पे आप क्या देख रहे हैं, एक आपका x है और दूसरा आपका साइन x है,
आप खुद देखिए, ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन है और ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यह आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, यह आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब इस लिस्ट में देखिए, सबसे पहले कौन आ रहा है? अलजेब्रिक आ रहा है, फिर ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है। यहां पे मेरे पास अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री में पहले कौन आ रहा है? अलजेब्रिक। तो जो पहले आएगा उसको हम यू मानेंगे, जो बाद में आएगा उसको हम वी मानेंगे। याद रखे, जो पहले आएगा उसको यू मानेंगे, जो बाद में आएगा उसको वी मानेंगे। तो यहां पे पहले कौन आ रहा है? एक्स अलजेब्रिक आ रहा है, तो ये आपका यू की तरह काम करेगा और ये वी की तरह। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, यू बाहर है तो हम एक्स को बाहर किए, इंटीग्रेशन वी डी एक्स, तो यहां पे किसका इंटीग्रेशन हो जाएगा? साइन एक्स डी एक्स। फिर माइनस, अब u का डिफरेंशिएशन मतलब x का डिफरेंशिएशन, तो ये dx dx हुआ। इंटीग्रेशन v dx, v मतलब sin x का, तो ये आपके पास क्या आ गया? sin x dx, इस पूरे पे dx। फिर नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा? x, sin x है, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos x। यहां पे sin x है, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos x, तो बाहर माइनस। ये आपके पास cos x आया माइनस, ये देखिए x है, ये x है, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो यहाँ पे 1 आया। फिर ये sin x का इंटीग्रेशन, sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस cos, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या बनेगा? प्लस, इंटू cos x dx, अभी भी इंटीग्रेशन है तो ये माइनस x cos x, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x प्लस c, तो ये आपका रिजल्ट। तो याद रखे, हम u और v का सिलेक्शन, हम U और V का सिलेक्शन आइलेट के बेसिस पे करते हैं। क्लियर, U और V का सिलेक्शन हम आइलेट के बेसिस पे करते हैं। जो पहले आएगा उसको U मानेंगे, जो बाद में आएगा उसको V मानेंगे। अब 95% ऑफ द प्रॉब्लम आइलेट के बेसिस पे ही बनता है, स्कूल लेवल जितना भी प्रॉब्लम है, इनफैक्ट मेंस में भी जो सवाल पूछा जाता है वो आईलेट के बेसिस पे ही बनेगा। लेकिन कुछ एक प्रॉब्लम ऐसा भी होता है जिसमें आईलेट एप्लीकेबल नहीं हो पाता। तो जिस प्रॉब्लम में आईलेट एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, उस केस में आप क्या करेंगे? थोड़ा कॉमन सेंस यूज करेंगे। कॉमन सेंस क्या है? ये पॉइंट को लिखेंगे जो अभी बता रहे। दो फंक्शन में आप दोनों फंक्शन को ध्यान से देखें, ये हम बताने जा रहे हैं कि जिसमें आईलेट हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन को आप ध्यान से देखें। जो फंक्शन आसानी से इंटीग्रेबल होगा, जो फंक्शन आसानी से इंटीग्रेबल होगा, जिसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, आप उस फंक्शन को v मानेंगे। आप उस फंक्शन को क्या मानेंगे? v, और जो बच गया उसको u मानेंगे। याद रखे, 95% ऑफ द प्रॉब्लम आईलेट के बेसिस पे ही बनता है, 5% प्रॉब्लम में आईलेट नहीं लग पाता है। तो जिस प्रॉब्लम में आईलेट नहीं लगेगा उसमें आप कॉमन सेंस यूज करेंगे। कॉमन सेंस क्या है कि दोनों फंक्शन को देखेंगे, जो फंक्शन का इंटीग्रेशन आसानी से हो सकता है उन दोनों में, उसको हम वी मान लेंगे, और जो बच जाएगा उसको यू मानेंगे। इस पे भी आप सवाल आने वाले क्लासेस में देखेंगे। तो यहाँ पे ये था आपका x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन हम कर दिए, ये अलजेब्रिक था तो इसको u माने, ये साइन x था तो इसको v माने। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलजेब्रिक पहले है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में। एक प्रॉब्लम अगर हम और देखें, फॉर्मूला सही से अप्लाई करेंगे, u के जगह पे साइन x रखें, v सॉरी u के यहाँ पे x रखें, v के यहाँ पे साइन x रखें, माइनस। यहाँ पे देखिए u का डिफ्रेंसिएशन है, u का डिफ्रेंसिएशन लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर। फिर साइन एक्स का इंटीग्रेशन है, वी का इंटीग्रेशन है, तो यहाँ देखिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्यों? क्योंकि साइन एक्स का काम यहाँ पे कौन कर रहा? वी। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन किए, माइनस कॉस एक्स आया, इसका डिफरेंशिएशन 1 आया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस मिलके प्लस बना, फिर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हम कर दिए, साइन एक्स प्लस सी आया। अगर आपके पास प्रॉब्लम ऐसा हो, इसमें देखिए हम रूल वाइज दिखाते भी जाएंगे, पॉइंट वाइज मतलब बताते जाएंगे, आप लिखते चले जाए। अभी हम यहाँ पे दो तीन वीडियो में, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारा पॉइंट भी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हम दो तीन वीडियो में केवल स्कूल का मतलब जो प्रोसेस होता है, जो कंसेप्ट होता है, वो अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम एक वीडियो में इसका पूरा शॉर्टकट डिस्कस कर देंगे। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के मैक्सिमम प्रॉब्लम को हम शॉर्टकट में बना सकते हैं, दो से तीन लाइन में बना देंगे, दो से तीन लाइन क्या, एक लाइन में बना सकते हैं, याद रखें। लेकिन वो शॉर्टकट हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले आपको प्रोसेस आना चाहिए, पहले आपको कंसेप्ट आना चाहिए। तो हम पहले कंसेप्ट पे ध्यान देंगे, लास्ट में सारे प्रॉब्लम का इनफैक्ट हम शॉर्टकट बता देंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का, आप उसको डायरेक्ट बना सकते हैं।
लेकिन वो लास्ट में हम बताएंगे, मतलब लास्ट वीडियो में। अब ध्यान दे, ये आ गया मेरे पास। अब मेरे पास एक प्रॉब्लम है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। जैसे ये सब जो प्रॉब्लम है ये सब एक लाइन में बन जाएगा, लेकिन शॉर्टकट से एक लाइन में बनेगा, लेकिन यहाँ पे हम पूरा प्रोसेस बताने जा रहे हैं। एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स पहचाने पहले, ये आपका अलजेब्रिक है, ये आपका ट्रिग्नोमैट्रिक है, ये आपका अलजेब्रिक है, ये आपका ट्रिग्नोमैट्रिक है। आईलेट में पहले कौन आता अलजेब्रिक, फिर कौन आता ट्रिग्नोमैट्रिक? तो पहले अलजेब्रिक आता है, इसलिए एक्स स्क्वायर को हम यू मानेंगे और साइन एक्स को क्या मानेंगे, वी। तो ये आपका यू का काम करेगा, ये वी का काम करेगा। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर बाहर हो गया, साइन एक्स डी एक्स बना, फिर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स होल पे आपके पास क्या आ गया डी एक्स। नेक्स्ट ये क्या बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, यहां पे साइन एक्स है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो ये माइनस कॉस एक्स बना माइनस। ये देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है टू एक्स, तो ये 2x हो गया। यहां पे फिर से sin x आ गया, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, यहां पे माइनस है तो ये प्लस बना into cos x dx आ गया। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, माइनस x स्क्वायर cos x, 2 को बाहर किए, ये x into cos x dx आ गया। अब जरा गौर करें, ये आपके पास u into v के केस में है कि नहीं? यहां पे फिर से यहां पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो ये फिर से दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, मतलब इसमें फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई होगा। ये आपका अलजेब्रिक है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री है, तो अलजेब्रिक फिर से पहले आता आईलेट में, अलजेब्रिक पहले, तो यहां पे ये आपका यू का काम करेगा, ये वी का। जब तक दो फंक्शन का प्रोडक्ट रहता है तब तक हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे, याद रखें। जैसे ही वो हटा, जैसे ही आसानी से इंटीग्रेट हो रहा, इंटीग्रेट करके आगे बढ़ा देंगे। तो ये आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर आया, कॉस एक्स आया प्लस टू। अब हम इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे, ये यू का काम कर रहा, तो एक्स बाहर, कॉस एक्स डी एक्स, फिर माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, और पूरे पे क्या आ गया डी एक्स। नेक्स्ट क्या बनेगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स जैसे है वैसे ही, ये टू बाहर, ये आपके पास क्या आ रहा है एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स आया, माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो ये इंटीग्रेशन तो बच गया, साइन एक्स डी एक्स प्लस सी आप लिखते चले। अब साइन एक्स का हम इंटीग्रेशन करेंगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, तो यहां माइनस मिलके क्या बन जाएगा प्लस, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस ये क्या आएगा टू एक्स साइन एक्स, ये देखिए प्लस बनेगा, टू बाहर है प्लस टू, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा कॉस एक्स, तो 2 cos x plus c, ये आपका रिजल्ट हो गया। तो याद रखे, आपको आईलेट जब कभी भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट रहेगा, जब कभी भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट रहेगा तो हम आईलेट अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में u और v का सिलेक्शन हम आईलेट के बेसिस पे करते हैं। आईलेट में i आपका इनवर्स है, L आपका लॉगरिथमिक है, A आपका अलजेब्रिक है, T आपका ट्रिग्नोमेट्री है, E आपका एक्सपोनेंशियल है। जो पहले आएगा उसको U मानेंगे, जो बाद में आएगा उसको V मानेंगे। जब आईलेट एप्लीकेबल नहीं हो तो उस केस में जो फंक्शन आसानी से इंटीग्रेबल होगा, जो फंक्शन आसानी से इंटीग्रेबल होगा उसको V मानेंगे, जो बच गया उसको U मानेंगे। फॉर्मूला अप्लाई किया, रिजल्ट आया। जब तक u इंटू वी हट नहीं जाता तब तक इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे। तो गौर करें, ये प्रॉब्लम थोड़ा लंबा चौड़ा था, लेकिन स्कूल में आपको ऐसे ही बनाना, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। इसका शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट कैसे बनाते हैं वो सारा कुछ हम आपसे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे गौर करें, आपके पास एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम दो बार इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाए। अगर यहां पे x क्यूब हो तो तीन बार इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा। अगर यहां पे x का पावर 4 है तो चार बार, मतलब जैसे जैसे डिग्री बढ़ता जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ बाई पार्ट्स भी बढ़ता चला जाएगा। तो डिग्री कुछ भी रहे, इसको हम डायरेक्ट एक लाइन में बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे ये हम आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आपके बोर्ड लेवल तक में मैक्सिमम अगर आता है तो एक्स क्यूब तक आएगा, लेकिन एक्स क्यूब तक भी नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर तक ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। एक और हम प्रॉब्लम देखते हैं,
जैसे सबसे पहले एक रूल, इसमें पॉइंट नंबर वन याद रखें, अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कहीं पे भी आपको कॉस स्क्वायर एक्स दिखे, साइन स्क्वायर एक्स दिखे, या कॉस क्यूब एक्स दिखे, साइन क्यूब एक्स दिखे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कहीं भी अगर आपको कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स दिखे, तो सबसे पहले आप पावर को रिड्यूस करके वन करें। याद रखें, सबसे पहले आप क्या करेंगे, पावर को रिड्यूस करके वन करेंगे। तो अगर आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स है तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कॉस टू एक्स का। कॉस टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो टू कॉस स्क्वायर एक्स आपका क्या बनेगा, वन प्लस कॉस टू एक्स बनेगा। तो कॉस स्क्वायर एक्स आपका क्या बन जाएगा, वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू। तो कहीं अगर कॉस स्क्वायर एक्स दिखता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, कहीं आपको कॉस स्क्वायर एक्स दिखता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, तो कॉस स्क्वायर एक्स के जगह आप रखेंगे वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू। यहां पे गौर करें, पावर क्या है आपके पास, टू। यहां पे पावर देखिए क्या बन गया, वन। तो पावर को हम रिड्यूस करेंगे। अगर आपके पास साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स आपका बनेगा वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू। सेम फॉर्मूला से यहां पे कॉस टू एक्स का साइन के टर्म्स में क्या बनता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। तो वहां से हम निकाल लिए साइन स्क्वायर एक्स क्या बनेगा, वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू। अगर आपके पास कॉस क्यूब एक्स है तो याद करें कॉस क्यूब एक्स का फॉर्मूला भी आप लोग पढ़े हैं। कॉस क्यूब एक्स मतलब पहले कॉस थ्री एक्स का फॉर्मूला याद करें। कॉस थ्री एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर कॉस क्यूब एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स। तो यहां से इसको इधर भेज दे अगर हम, तो फोर कॉस क्यूब एक्स आपका क्या बनेगा, कॉस थ्री एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स बन जाएगा। तो आपके पास कॉस क्यूब एक्स क्या आ जाएगा, कॉस थ्री एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स डिवाइड बाई फोर। तो कॉस क्यूब एक्स के जगह पे क्या रखेंगे, कॉस थ्री एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स बाई फोर। याद रखे कॉस क्यूब एक्स के यहाँ पे क्या रखेंगे, कॉस थ्री एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स बाई फोर। अगर आपके पास साइन क्यूब एक्स है, कहीं अगर आपको साइन क्यूब एक्स दिख रहा है तो साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला आपको याद रखना। साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला होता है थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स। तो यहां से इसको निकालना है, इसको इधर ले आइए, फोर साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा, थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स बना। तो यहां पे साइन क्यूब एक्स क्या बनेगा आपका, थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स बाई फोर। तो साइन क्यूब एक्स कहीं भी दिखेगा तो थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स बाई फोर रखेंगे। कॉस क्यूब एक्स दिखेगा तो कॉस थ्री एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स बाई फोर। साइन स्क्वायर एक्स दिखेगा वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू। कॉस स्क्वायर एक्स दिखेगा वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू। उसके बाद आप इंटीग्रेट करेंगे, रिजल्ट आसानी से आएगा। ये रूल नंबर वन है, आपको इसमें याद रखना है, मतलब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का ये फर्स्ट रूल है। अब अगर हम प्रॉब्लम देखें इस पे तो जरा गौर करें। मानिए मेरे पास प्रॉब्लम ऐसा है, इंटीग्रेशन x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। गौर करें, यहां पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट तो आपको साफ साफ दिख रहा है, एक x है और एक कॉस स्क्वायर एक्स है। यहां पे आप गौर करें कॉस के पावर में क्या है, टू। हम आपको क्या बताए थे कि कॉस के पावर में कुछ भी रहे वन करना है आपको, तो कॉस के पावर में टू है तो इसको वन करेंगे। कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला अभी हम डिस्कस भी कर चुके हैं, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स बनेगा। इसके जगह पे हम 1 प्लस कॉस टू एक्स बाई टू डी एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पे गौर करें, टू नीचे है कॉन्स्टेंट, 1 बाई टू को बाहर कर लेते हैं, तो 1 बाई टू बाहर हो गया। तो 1 बाई टू बाहर हो गया तो बचेगा क्या आपके पास, x बचा प्लस x कॉस टू एक्स डी एक्स बच गया। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पे गौर करें, x है, x का इंटीग्रेशन आप सभी लोग जानते हैं, 1 बाई टू, ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस टू आ गया, बाई टू आ गया। और इधर आपका क्या लगेगा, एक्स कॉस टू एक्स डी एक्स, ये बन गया। अब आप यहाँ पे खुद देखिए, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो यहाँ पे क्या लगेगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से इसको इंटीग्रेट करें, तो ये वन बाई टू बाहर है तो बाहर ही रहने देते हैं, वन बाई टू, ये एक्स स्क्वायर बाई टू आया प्लस, ये देखिए यहाँ पे ये अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्री, ये अलजेब्रिक और ये ट्रिग्नोमेट्री। पहले कौन आता है आपका, आईलेट में अलजेब्रिक,
तो ये u का काम करेगा x और cos 2x किसका काम करेगा v का। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, u बाहर तो u बाहर मतलब x बाहर, फिर cos 2x dx का इंटीग्रेशन माइनस, फिर इंटीग्रेशन x का डिफ्रेंसिएशन तो dx dx, फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx होल पे dx बन गया। नेक्स्ट ये आपके पास क्या बनेगा, 1 बाई टू, ये x स्क्वायर बाई टू बना प्लस x cos 2x, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या बनता है sin 2x बाई टू, तो ये sin 2x बाई टू बना, ये 2 कहाँ से आया नीचे, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 2 है, फिर माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1, cos 2x, cos 2x का फिर sin 2x बाई टू बनेगा बाई टू, तो बाई टू यहीं लिख दीजिए dx, ये आ गया। अब नेक्स्ट खाली इसका इंटीग्रेशन बचा, यहाँ पे देखिए साइन टू एक्स है, साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस कॉस टू एक्स, एक टू ऑलरेडी है, एक टू और आएगा तो ये क्या बनेगा प्लस कॉस टू एक्स बाई फोर बनेगा। कैसे, साइन टू एक्स है, साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टू एक्स, तो माइनस माइनस प्लस बना माइनस कॉस टू एक्स, एक्स के साथ टू है तो फिर से टू नीचे आएगा ना, तो एक टू ऑलरेडी है, एक टू और आया तो क्या बना फोर, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा फाइनली, ये 1 बाई टू से मल्टीप्लाई किए तो ये एक्स स्क्वायर बाई फोर बना, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो प्लस एक्स इंटू साइन टू एक्स बाई फोर बना। अब यहाँ से प्लस 1 बाई टू भी है बाहर, प्लस कॉस टू एक्स, ये 4 बना और ये 2, ये क्या बन जाएगा 8 प्लस सी, ये आपका रिजल्ट हो गया। तो याद रखे जब कभी भी कॉस पे साइन पे अगर पावर एक से अधिक है तो सबसे पहला रूल है कि आप पावर को कम करेंगे। अगर कॉस या साइन का पावर एक से अधिक, वन से अधिक रहेगा तो सबसे पहले आप पावर को कम करेंगे। पावर को कैसे कम करते हैं ये चीज़ हम डिस्कस कर दिए, याद रखें उसी फॉर्मूला से आप पावर को कम करेंगे। कहीं कहीं आपको कॉस क्यूब एक्स भी दिखेगा, तो कॉस क्यूब एक्स को कैसे हम पावर कम करेंगे ये चीज़ भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपका इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से बनाएं। अभी हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में बहुत सारा टॉपिक बचा हुआ, पहले इस टाइप के प्रॉब्लम को खाली देख लें, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में फर्दर डिस्कस करेंगे तो फिर आप उस टाइप के प्रॉब्लम को देखेंगे, और लास्ट में हम सबका शॉर्टकट बताएंगे कि आप डायरेक्ट एक लाइन में कैसे सारे सवाल को बनाते हैं। एक प्रॉब्लम हम आप लोगों को दे रहे हैं, वो प्रॉब्लम आप लोग खुद बनाएं और उसका आंसर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आपको खुद से बनाना है और इसका आंसर आप लोगों को सभी लोगों को कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना है। तो यहाँ तक बनाएं, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आता है, कोई कन्फ्यूजन आता है तो आप लोग मेरे से पूछें। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स बड़ा टॉपिक है, थोड़ा आराम से पेशेंसफुली पढ़ें। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, क्योंकि बीच में स्टूडेंट कन्फ्यूज होना शुरू हो जाता है, इसे इसको हम पॉइंट वाइज करके बताते चले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।